हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम सी और ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें डिफरेंस क्या होता है, सी और ओशियंस में डिफरेंस क्या होता है, हम वो देखेंगे। देखिए, ओशियन क्या होता है ना, एक लार्जर बॉडी होती है, ठीक है, जबकि सी क्या होता है, उसका एक छोटा पार्ट होता है। ठीक, सी कनेक्ट करता है कॉन्टिनेंटल और ओशियन बॉडी को, राइट। तो टाइप्स ऑफ सी, टोटल कितने टाइप्स ऑफ सी होते हैं या कितने टाइप ऑफ ओशंस होते हैं, पहले हम लोग ये देखते हैं। तो देखिएगा, टोटल ओशंस कितने हैं इन द वर्ल्ड, टोटल ओशन कितने हैं, 5 ओशंस है। ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट है दैट इज पैसिफिक ओशन, ठीक, फर्स्ट पैसिफिक ओशन है, देन नाउ देखिए इसमें पैसिफिक ओशियन है। अब पैसिफिक ओशियन को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और दूसरा साउथ पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना। अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन, ठीक है ना। ये ही पैसिफिक ओशियन का पार्ट इस तरफ है, देखिए, ठीक है ना, क्योंकि राउंड है ना पूरा, तो ये जो पार्ट पैसिफिक है वही यहाँ पे भी है, तो इधर भी नॉर्थ ऊपर और साउथ पैसिफिक ओशन नीचे आता है। अब इंडियन ओशियन कहाँ से कहाँ तक होता है, इंडियन ओशियन, इंडियन ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन कॉन्टिनेंट के बीच का जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं इंडियन ओशियन, ठीक है। और ये जो नीचे वाला जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं सदर्न ओशियन, राइट। तो ये जो नीचे वाला एरिया है ये क्या है, ये है सदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन। और जो सबसे ऊपर वाला एरिया है ये क्या है, आर्कटिक ओशियन, ठीक है ना। तो टोटल कितने ओशियंस होते हैं, आर्कटिक, देन सेकंड अटलांटिक, अटलांटिक, ठीक है, फिर थर्ड पैसिफिक, फोर्थ इंडियन, एंड फिफ्थ सदर्न, राइट, सदर्न ओशन। अब इसमें से अटलांटिक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, कौन कौन सा, नॉर्थ और साउथ, एंड पैसिफिक को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, नॉर्थ एंड साउथ। तो वैसे 5 होते हैं, बट कहीं कहीं पे 7 भी लिखे होते हैं, टोटल 7 ओशियंस। तो उन 7 ओशियंस में अटलांटिक को और पैसिफिक को दोनों को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा होता है। तो जब दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, आर्कटिक हो गया, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, इंडियन एंड सदर्न। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये टोटल 7 ओशियंस हो जाएंगे, राइट। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखिएगा, ओशियंस के बारे में ही हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। ओशियंस में सबसे बड़ा ओशियन कौन सा होता है, सबसे बड़ा ओशियन होता है पैसिफिक ओशियन, ठीक है, सबसे बड़ा होता है पैसिफिक ओशियन। देखो सी क्या है, सी इज स्मॉलर इन साइज व्हेन कंपेयर टू द ओशियन एंड हेंस इट इज कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ ओशियन। मैंने आपको बताया था सी को हम लोग क्या लेके चलते हैं, सी को हम लोग लेके चलते हैं अ पार्ट ऑफ ओशियन, ठीक है। उसके बाद इट इज इंटरसेक्टिंग To note that sea is, it is interesting to note that sea is generally surrounded by mass of land. ठीक है ना, वो mass of land, मैंने बताया था ना, land और ocean के जो बीच का portion होता है that is called sea. ठीक, अब Pacific Ocean जो है, the Pacific Ocean is the largest in the world. ठीक है, उसके बाद Atlantic, फिर Indian, फिर Southern, और सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा होता है हमारा Arctic Ocean. ठीक है ना। Oceans cover 71% of Earth surface. Earth की total surface का 71% oceans cover करते हैं and contain 90% of planet's water. और planet पे जितना water है उसका 97% water जो है वो इन oceans में पाया जाता है. Yet more than 95% of the underwater world remain unexplored. ठीक है, अभी तक explored ही नहीं हुआ है ये. The Pacific Ocean is by far the world
लार्जेस्ट ओशियन, अब ये इसका एरिया क्या हुआ है, हालांकि ये नहीं पूछा जाता बट स्टिल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। इट कवर्स 28% ऑफ द अर्थ एंड इज इक्वल इन साइज नियरली ऑल द लैंड एरिया ऑन द अर्थ, मतलब जितना लैंड एरिया है ना उतना अकेला तो पैसिफिक ओशियन है। द पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, डीपेस्ट है। इसमें एक मरियाना ट्रेंच है और उस मरियाना ट्रेंच में भी एक चैलेंजिंग डीप पोर्शन करके है, वो सबसे ज्यादा गहरा है, ठीक है। उसकी कितना गहरा है, लगभग 14,040 फीट गहरा है, ठीक है ना, मतलब उसके अंदर पूरा का पूरा एवरेस्ट समा सकता है, इतना गहरा है वो, ठीक है, और भी गहरा है। एवरेस्ट तो फिर भी 8,500 फीट का ही है, तो 14,000 फीट है। द अटलांटिक ओशन इज द कोल्डेस्ट ओशन, ऑब्वियसली कोल्डेस्ट होगा, सबसे ज्यादा बर्फ सबसे ज्यादा जमा हुआ पोर्शन वही है, ठीक है। ट्रैफिक भी कम है, लैंड एरिया भी कम है, सदर्न पार्ट में लैंड एरिया कम है, तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा ठंडा होता है। इंडियन ओशियन इज द हॉटेस्ट, ऑब्वियसली हॉटेस्ट होगा, देखो एक तो ये इक्वेटर लाइन पे आता है, ठीक है, और दूसरा ये तीन साइड से किससे घिरा हुआ है, कॉन्टिनेंट से, एक साइड अफ्रीका है, ऊपर एशिया है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, तीनों तरफ तीन ए है, तीन ए से घिरा हुआ है, इसलिए सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है, ठीक है। और इक्वेटर पे भी आता है जहाँ पे सूरज की सबसे सन सबसे ज्यादा गर्म पोर्शन जो होता है वो इक्वेटर पोर्शन होता है, तो इसीलिए इंडियन ओशन सबसे ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड इज आर्कटिक, तो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना, कि स्मॉलेस्ट ओशियन जो है वो आर्कटिक है, राइट, कितना समझ में आया। अब इसके बाद हम देखेंगे कॉन्टिनेंट्स, जो सेवन कॉन्टिनेंट्स होते हैं, सेवन कॉन्टिनेंट्स मैप विथ फाइव ओशियंस, ठीक है ना, यहाँ पे फाइव ओशियन ही दिए गए हैं इनको, मतलब अलग अलग करके नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो अभी कॉन्टिनेंट्स में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, लास्ट में अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भी लैंड पोर्शन है, ये याद रखिएगा, ये बर्फ जमी है बट वो लैंड के ऊपर बर्फ जमी है, तो ये लैंड नॉट इन यूज है बट ये लैंड पोर्शन है, तो ये भी एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और सेवन क्या है, अंटार्कटिका, ठीक है ना, इतना समझ में आया सबको। ये है सेवन कॉन्टिनेंट्स और फाइव ओशियंस, आर्कटिक, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और सदर्न ओशियन, ठीक। तो ये सेवन कॉन्टिनेंट्स एंड फाइव ओशियंस। अच्छा अब इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट जो है हम जो इम्पोर्टेंट ओशियंस है ना उनको देखते हैं। देखो ये पूरा वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है, ठीक है, इस वर्ल्ड के मैप में कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट ओशियंस है हम पहले उनको देखते हैं। तो ओशियंस के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा था, देखिए ये हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, बेरिंग स्ट्रेट से। बेरिंग स्ट्रेट यानी ये जो पोर्शन है नॉर्थ अमेरिका, कनाडा वाला, ठीक है, ऊपर कनाडा आता है ना, और ये वाला जो पोर्शन है, ठीक, इनके बीच में एक स्ट्रेट बहुत छोटा सा रास्ता होता है जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं, और इनके बीच में जो सी होता है इसको हम बेरिंग सी बोलते हैं। देखिए इधर भी आपको बेरिंग सी दिखाई देगा और इधर भी बेरिंग सी दिखाई देगा। उसके बाद ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये है गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ क्या होता है, गल्फ जिसका मैक्सिमम पोर्शन या हम बोले कि थर्ड पोर्शन, जो टू थर्ड पोर्शन जो होता है वो किससे घिरा होता है, वो कॉन्टिनेंट से घिरा होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम पोर्शन, या देखो तीन तरफ से ये कॉन्टिनेंट से घिरा होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, गल्फ, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये है कैरेबियन सी, ये भी बहुत गहरा सी होता है। अच्छा गल्फ ऑफ मैक्सिको की क्या खास बात है कि यहाँ पे सल्फर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, तो स्मेली पोर्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे नेचुरल गैसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये सरगासो सी है, सरगासो सी को में सबसे कम करंट होता है, ठीक है, इसका क्या रीजन है ये मैं आपको बताऊंगी, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट। अब इसके बाद गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, लेब्राडोर सी है, ठीक है, ये लेब्राडोर सी है, यहाँ पे लेब्राडोर करंट भी होता है, वाटर करंट जब पढ़ाऊंगी तब मैं आपको लेब्राडोर करंट के बारे में बताऊंगी। ये हडसन सी है, परमानेंट जमा रहता है, यहाँ पे पोलर बियर्स बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये बफिन बे है, और देन ग्रीनलैंड सी,
नॉर्वेजियन सी, नॉर्वे के, ये नॉर्वे है, नॉर्वे के ऊपर क्या है, नॉर्वेजियन सी, ये है बाल्टिक सी जो नॉर्वे और यूरोप, देखिए ये नॉर्वे स्वीडन का पोर्शन है और यहाँ पे यूरोप का पोर्शन है, ये इनके जो बीच में आ रहा है ये जो है ये है बाल्टिक सी, और यहाँ पे आता है नॉर्थ सी, नॉर्थ सी का ध्यान रखिएगा, ये है नॉर्थ सी, बे ऑफ बिस्के, ठीक। अब ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जब स्ट्रेट बताऊंगी तो इनका इंपॉर्टेंस बताऊंगी। यहाँ से ज्यादातर सी ट्रैफिक जो है वो मेडिटेरियन सी, और फिर वहां से रेड सी, देन गल्फ ऑफ एडन, और यहाँ पे आता है एशिया की साइड में, ठीक है। तो गल्फ ऑफ जिब्राल्टर का अपना बहुत इंपॉर्टेंस है इन ट्रांसपोर्टेशन इन सी रूट। अब ये क्या है, मेडिटेरियन सी, फिर रेड सी, डेड सी, ठीक है, डेड सी, सबसे ज्यादा सॉल्ट डेड सी में होता है, ठीक है ना। इसमें डेड सी में बहुत कम ही सी एनिमल्स, मतलब ना के बराबर होते हैं, इसमें कोई सी एनिमल्स नहीं होते, सिर्फ ग्रीन एल्गीज होती हैं, और ये सबसे ज्यादा सॉल्टी पोर्शन होता है, ठीक है। देन ब्लैक सी, कैस्पियन सी, एरल सी, एरल सी दिन पे दिन सूखता जा रहा है, एक तो ये हॉट पोर्शन पे आता है, ठीक है, और ये मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से सूखता जा रहा है एरल सी, ठीक है। एरल सी अभी न्यूज में भी बहुत चल रहा है, एक बार ध्यान दीजिएगा एरल सी पे, ठीक है। उसके बाद देखिए अफ्रीका में हम लोग जिब्राल्टर पे कहते हैं, फिर ये है गल्फ ऑफ गुइना, देन गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान, ओमान के बारे में पढ़ा था ना अभी, ये है गल्फ ऑफ ओमान, और ये हमारा पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ में बहुत ज्यादा पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मतलब अरब के अमीर होने का रीजन पर्शियन गल्फ ही है, ठीक है। अरब में जितने भी पेट्रोलियम और गैसेस और जितना भी होता है ना, वो सब पर्शियन गल्फ की वजह से ही है, सब इसकी वजह से अमीर है ये लोग, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद अरेबिक सी तो मैं पता ही है अपना, ठीक है, मुंबई साइड पे अरेबिक सी, और इधर कोलकाता साइड पे बे ऑफ बंगाल, बंगाल साइड पे बे ऑफ बंगाल, और नीचे अंडमान सी। अब और इधर आते हैं जरा, इंडोनेशिया की साइड में सिंगापुर आ गए, इंडोनेशिया आ गए, यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ मलाका, ठीक है, यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ मलाका, और ये है जावा सी, टैमोर सी, ठीक, कोरल सी। कोरल सी ऑस्ट्रेलिया का कोरल सी इसलिए याद रखने वाली चीज है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी कोरल रीफ वो है, बैरियर है, ठीक है, सबसे बड़ा कोरल रीफ यहीं पे पाया जाता है, ठीक। उसके बाद ये क्या है, टस्मन सी है, देन सेलिबस सी, साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी जो है ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, चाइना ने इसको अपनी प्रॉपर्टी बना के रखा हुआ है साउथ चाइना सी को, ठीक। यहाँ से बहुत ज्यादा सामान जो है वो मतलब जो कार्गोज वगैरह होते हैं वो ये स्ट्रेट ऑफ मलाका से होते हुए साउथ चाइना सी से आगे जाते हैं, ठीक है। तो साउथ चाइना सी का सबसे डेंजर भी माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज भी हैं, बहुत सारी न्यूक्लियर एशेस भी यहाँ पे पाई जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डेंजरस भी है, ठीक है। देन फिलीपींस सी, फिलीपींस सी के बाद ईस्ट चाइना सी, हम लोगों ने साउथ चाइना सी पढ़ा था, ईस्ट चाइना सी, फिर उसके बाद येलो सी, ये है येलो सी, ठीक। देन सी ऑफ जापान, ठीक है, जापान और एशिया पोर्शन का जो बीच का वाटर बॉडी है दैट इज कॉल्ड सी ऑफ जापान। फिर सी ऑफ अशोक, ठीक है, ये अशोक सी है, बेरेंट सी हम लोगों ने पढ़ा था, ये ईस्ट साइबेरियन सी, देन लैपटेप सी और कारा सी, ये वो हैं जो ज्यादातर जमे ही रहते हैं, और बेरेंट सी, ठीक है। बेरेंट सी में फिर भी कुछ पानी ठंडा होता है, बट यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होता है कुछ सीजन में, बट ये कारा सी लैपटेप सी में ज्यादातर बर्फ जमी रहती है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज थी, एक बार आप इनको देखिएगा अच्छे से, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन पे बताइए, मैं आपको उसको डिटेल में समझाऊंगी। और नेक्स्ट क्लास में मैं स्पेशली स्ट्रेट पढ़ाने वाली हूँ और ट्रेंचेस पढ़ाने वाली हूँ। ट्रेंचेस क्या होता है, ट्रेंचेस जो होते हैं वो डीपेस्ट पार्ट ऑफ सी होते हैं, ठीक है। तो मैं ट्रेंचेस पढ़ाऊंगी और स्ट्रेट पढ़ाऊंगी। स्ट्रेट का बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सी रूट में, स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रेट होती क्या है, स्ट्रेट बेसिकली
कॉन्टिनेंट के बीच की एक वाटर बॉडी होती है, जैसे यहाँ पे ये दो कॉन्टिनेंट के बीच की वाटर बॉडी थी जिसको हम स्ट्रेट ऑफ मलाका बोलते हैं, यहाँ पे ये दो कॉन्टिनेंट के बीच का स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर था, ठीक है ना। तो मैं आपको स्ट्रेट बताऊंगी कि इम्पोर्टेंट स्ट्रेट कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस रही है अभी तक, ठीक है ना। तो इतना पढ़िएगा। अच्छा, इसके बाद एक दो पॉइंट्स और मैंने दिए हुए हैं, जैसे लार्जेस्ट सी जो है वो फिलीपींस सी है, ठीक है। पर्शियन गल्फ जो है वो वार्मेस्ट पोर्शन होता है, पर्शियन गल्फ कंटेन द वार्मेस्ट सी वाटर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट में मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ वो है ट्रेंचेस एंड स्ट्रेट, तो उसको मिस मत करना, उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू।